हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 22। तो भाई साहब, हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने फार्म के अंदर। और भाई साहब, ये हमने एक न्यू ट्रैक्टर खरीदा है, न्यू हॉलैंड का। और ये देख रहे हो भाई, क्या ही तगड़ा ट्रैक्टर है भाई। और इसका इंटीरियर चेक करो यार, तुम लोग ये देखो जरा, आई मीन लुक एट दिस, बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रैक्टर है भाई ये वाला। और ये पीछे सीडर है अपना, और ये बहुत ज्यादा जॉइंट है। और इसकी जो हॉर्स पावर है ना भाई, वो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, तुम लोग देख के हैरान हो जाओगे। ये जेसीबी जो अपना, ये 348 हॉर्स पावर का है, और ये है 682 हॉर्स पावर का। भाई मतलब ये अपने जेसीबी का भी बाप है ये वाला ट्रैक्टर। मतलब इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 70, और इसकी टॉप स्पीड है सिर्फ 30। मतलब ये भागने के लिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई ये ट्रैक्टर। और ये लगभग कोई $5,00,000 के करीब अपने को, 5,00,000 यूरोस के करीब अपने को पड़ा ये वाला। और बहुत सारी चीजें और चेंज करी है मैंने, जल्दी से मैं चलता हूँ तुम लोगों को लेकर अपने फार्म के अंदर। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने फार्म के अंदर, और ओके ठीक है, इधर से ये हो गया बंद। हाँ, और इधर साइड में मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये अपना जॉन डियर का ट्रैक्टर था भाई, और इधर साइड में अपना जो सनफ्लावर है वो देखो भाई साहब। और अपने पास सिर्फ $9,00,000 बचे हैं, मैंने बहुत ज्यादा पैसा अपने फार्म को अपग्रेड करने में लगा दिया। ये देख रहे हो भाई, डेकोरेशन वगैरह हुई पड़ी है, बहुत सारी लाइट्स लगी हैं, और यहाँ पर ये एक नया शेड लगाया है। और ये नया ट्रक हमने खरीदा, पुराना वाला बेच दिया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और ये न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर तो ऑलरेडी अपने पास था, तो ये एक न्यू हमने ट्रैक्टर खरीदा है, मैसी का, मैसी फर्गोसन 698। और ये इंडियन ट्रैक्टर है भाई, मतलब उसकी तरह का ही है। और ये कैबिन वाला, और ये एक अपने पास है HMT का ट्रैक्टर, और इंडियन ट्रैक्टर तुम लोग बोल रहे थे, और ये अपने पास न्यू हॉलैंड स्पेशल एडिशन 3630। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो अभी जो है ना, मैं न्यू हॉलैंड को आज यूज करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से, इसको मैंने कर लिया स्टार्ट, और इसको जो है ना वो मैं इसको निकालता हूँ। ओके, यहाँ से इसको निकाल। अबे यार, इसका ये एक तो जल्दी टर्न नहीं होता बैक। तो ओके, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं फटाफट से। और अपना लाइम स्प्रेडर जो है वो पता नहीं कहाँ पर है, लाइम स्प्रेडर हमारा कहाँ पर था, एक सेकंड भाई। ये ठुक रहा है ट्रैक्टर, ये इंडियन ट्रैक्टर्स का और दूसरे जो भाई विदेशी ट्रैक्टर है उनका भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अपना लाइम स्प्रेडर इधर खड़ा हुआ, उसके अंदर मेरे ख्याल से लाइम होना चाहिए। तो आज अपने बड़े वाले ट्रैक्टर के अंदर ना हम लोग, मतलब बड़े वाले फील्ड के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर नहीं भाई, बड़े वाले फील्ड के अंदर हम लोग लगाने वाले हैं लाइम सबसे पहले, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कैनोला। तो ओके भाई, जल्दी से इसको, इसके अंदर लाइम तो अभी 2700 लीटर अपने पास है। तो अभी जो है ना वो जल्दी से अपन लोग इसको, इधर से क्यों जा रहा हूँ भाई मैं, इधर से चलता हूँ ना, ठीक है, इधर से सीधा सीधा रास्ता, इधर से चलते हैं इसको लेकर। और यहाँ पर एक सेकंड भाई, ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर भाई, ये सॉलिड फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर की तो अभी अपने को जरूरत नहीं है। ओके, जल्दी से ये लाइम स्प्रेडर को हम लोग लेकर चलते हैं, और इसको मैं करता हूँ अनफोल्ड। और जो है ना अपना ये शुगर केन भाई, ये भी रेडी हो रहा है, मतलब काफी बड़ा बड़ा हो चुका है, देख रहे हो तुम लोग। और अभी जल्दी से चल के अपने इस बड़े वाले फील्ड के अंदर ना अपने इस वाले वर्कर को मैं लगाता हूँ, तो ये लाइम जो है ना इसके अंदर स्प्रेड कर देगा, और भाई मजा आने वाला है अभी तो। ओके, यहाँ पर ये आ चुका है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको करता हूँ ऑन, ताकि जो अपना लाइम है ना ये स्प्रेड होता रहे एकदम बढ़िया तरीके से इस बड़े वाले फील्ड के अंदर अपने न्यू हॉलैंड के साथ। हम लोग भाई करेंगे आज लाइम स्प्रेड। तो ओके भाई साहब, जल्दी से फटाफट से ये पूरा का पूरा लाइम जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं हम लोग अपने इस वाले बड़े वाले खेत के अंदर। मैं लाइम लगाना भूल गया था भाई, मैंने थोड़ा ऑफलाइन बैठ के इसको मैं प्लांट करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ग्राइंड करते करते इतना भी आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि भाई वीडियो ही ना बने, बाद में पता चले कि वो वीडियो के लिए कंटेंट जो है वो फिर से ढूंढना पड़ रहा है। तो ओके ऑल राइट, अभी जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर इसको लगा देते हैं। ओके, फटाफट से इधर साइड को चलते हैं हम लोग, और जल्दी से पूरा का पूरे अपने फील्ड के अंदर हम लोग लगाते हैं लाइम को। और मुझे नहीं लगता कि लाइम ये पूरा हो पाएगा भाई, ये तो गड़बड़ होगी भाई, लाइम तो खत्म हो गया, लाइम खत्म हो गया भाई, ये लाइम तो पूरा नहीं लग पाएगा इस खेत के अंदर, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ 6% बचा अपने पास लाइम जो है। तो अपना ये जो है ना, ये ट्रैक्टर अपना तो ठीक से परफॉर्म कर पा रहा है, बट ये जो लाइम है ना भाई, लाइम दिक्कत करेगा, लाइम खत्म होने वाला है। ऑल राइट, यहाँ पर तो सारा का सारा लाइम जो है वो लग ही रहा है, और ये 2% इसमें सिर्फ और सिर्फ बचा है। तो अपने को लाइम खरीदने वाला जो ऑनलाइन वो है ना, मतलब ऑनलाइन ही लाइम खरीदने वाला जो स्टोर है, मतलब बाइंग स्टेशन अपने को लगाना पड़ेगा। और ये खत्म, यस खत्म, खत्म भाई खत्म, टाटा बाय बाय। तो अभी जो है ना जल्दी से इट्स टाइम टू गेट सम बाइंग स्टेशन फॉर लाइम। और वो हम लोग कहाँ पर लगाएं भाई, बाइंग स्टेशन हम लोग ना, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सही रहेगा। तो भाई साहब, हम लोग ना यहाँ पर लगाते हैं सीड्स और वो सारा कुछ बाय करने के लिए, हम लोग इसको इधर साइड में लगाते हैं बिल्कुल यहाँ पे करके, ठीक है, इधर साइड में एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको लगा दिया हमने। और अभी जो है ना इधर साइड में थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर से रास्ता बना देते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको जरा पेंटिंग कर लेते हैं। तो
ओके भाई साहब, अपना ये बाइंग स्टेशन यहाँ पर लग चुका है और अभी जो है ना फटाफट से इसको मैं करता हूँ फोल्ड और इसका जो कवर है ना उसको हम लोग अनफोल्ड कर लेते हैं, मतलब ओपन करते हैं और जल्दी से चल के आई होप सो कि इसके अंदर हम लोग लाइम डलवा पाए। हाँ डलवा पाएंगे, इसका कवर ओपन करते हैं और फटाफट से ना इसके अंदर हम लोग लाइम डाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं फुल। ओके इधर साइड से अपन ने रास्ता बनाया है ना, हाँ ठीक है। ओके भाई अपने न्यू हॉलैंड के साथ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ओके ये काफी ज्यादा ऊंचा है, बस सही है भाई ये सही है। ओके यहाँ पर अपने को लाइम चाहिए तो फटाफट से इसके अंदर लाइम भर लेते हैं पूरा का पूरा और ये अपने न्यू हॉलैंड का जैसे ये पूरा भर जाएगा लाइम तो यस ये हो गया 100%। और भाई सिर्फ और सिर्फ अपने को ये पड़ा है $7,560 का लगभग। तो ठीक है अभी अपनी टेंशन जो है ना वो खत्म हो चुकी है भाई लाइम लगाने वाले, जल्दी से इस वाले फील्ड के अंदर हम लोग लाइम लगाते हैं और उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तो तुम लोग इंजॉय करो भाई ये वाले टाइम लैप्स को। तो भाई साहब काफ़ी सारा जो फील्ड है ये बहुत बड़ा फील्ड अपना बन गया है यार, इतना बड़ा फील्ड जब वो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो काफ़ी हद तक अपने इस वाले फील्ड के अंदर लग चुका है। और भाई अपना ये वाला ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, मतलब और बहुत ज़्यादा जोर भी लगा रहा है, मतलब ये अपना जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये किसी के पास और ज़्यादा इंडियन ट्रैक्टर्स के मोड अगर आप लोगों के पास हैं और भाई मेरे को कोई फ्री में दे सकता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो यार तुम लोग, अगर इंडियन मोड्स डालना चाहते हो तो भाई मैं तो गरीब गेमर हूँ तुम लोगों को पता है, तो मैं तो भाई पैसे नहीं दे सकता, आई कांट अफोर्ड, आई एम अ गरीब गेमर, यू नो आई एम अ गरीब गेमर। तो भाई मुझे अगर कोई बंदा फ्री में मोड्स देना चाहता है इंडियन ट्रैक्टर्स के तो दे सकता है भाई, मोस्ट वेलकम। और अगर नहीं दे सकता, अगर कोई पेड मोड्स है तो भाई वो मैं नहीं डाल सकता, आई एम रियली सॉरी। तो बाकी ठीक है, ये ट्रैक्टर्स अपने पास जो फ्री में मिले हैं ये भी कुछ भाइयों ने मेरे को दिए हैं, और ये धालीवाल गेमिंग भाई थैंक यू सो मच यार, बिग शाउट आउट आपके लिए और थैंक यू सो मच। तो ये हो गया और अभी अपना जो है ना वो लगभग 47% बचा हुआ है इसके अंदर, तो अभी ये हो गया है और अभी इसको ना हम लोग लेकर चलते हैं ट्रैक्टर को और इस वाले अपने ट्रेलर को, मतलब अपने लाइम स्प्रेडर को, फर्टिलाइजर स्प्रेडर को। तो फटाफट इसको ले चल के खड़ा करते हैं और खेतों के बीच से हम लोग घुस के जाते हैं। भाई अपना सनफ्लावर देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, तो अभी यहाँ से इसको रिवर्स करके लगाना पड़ेगा भाई इस वाले अपने फर्टिलाइजर स्प्रेडर को, और इसको यहाँ से रिवर्स ही लेकर जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से एकदम रिवर्स लेकर जाते हैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से आराम आराम से भाई इसको लेकर जाना पड़ेगा, और ताकि ये जो है ना अपनी जगह से खिसके ना, इसको एकदम आराम आराम से लेकर चलना पड़ेगा। ओके आराम आराम से इसको यहाँ पर भाई पीछे लगाते हैं। ओके ऑल राइट, आई थिंक ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है, और इसको यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डिटैच, और अपना ये न्यू हॉलैंड का जो ट्रैक्टर है ये भाई फ्री हो चुका है, और इसको अभी हम लोग लेकर चलते हैं और इसको यहाँ पर खड़ा करते हैं अपने नए वाले शेड के अंदर। ये यहाँ पर इंडियन ट्रैक्टर्स का एक पूरा सेक्शन हमने बनाया हुआ है, तो ये रहा अपना इंडियन ट्रैक्टर्स, और इसको मैं खड़ा करता हूँ भाई वापस, उसके बाद हम लोग चल के जो है वो बीज लगाएंगे अपना कैनोला के। तो कैनोला हमने अभी तक भाई इस वाले मैप के अंदर हमने कैनोला नहीं लगाया, तो अभी कैनोला लगाने का टाइम आ चुका है। यहाँ से ट्रैक्टर को रिवर्स करके मैं लगाता हूँ। ऑल राइट ओके भाई, तो यहाँ पर इसका इंजन करता हूँ मैं ऑफ, और अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं भाई और जल्दी से चल के अपने बड़े वाले न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर के अंदर बैठते हैं और चल के फटाफट से जो है ना वो बीज वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, और जो रह जाएगा फिर उसके बाद बाकी का काम कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग भाई अपना एक वर्कर हायर करूंगा मैं यहाँ पर, और उसको लगा दूंगा भाई, वो ये काम करता रहेगा। और ये देखो ये स्टार्ट किया इंजन। ओके इसको यहाँ से पीछे की तरफ मोड़ता हूँ मैं भाई, और ये ट्रैक्टर तो बहुत सही है, मतलब ये देख रहे हो तुम लोग, इसके पीछे इसको टर्न करना इतना आसान नहीं है भाई। एक सेकंड मुझे देखने दो, क्या यहाँ पर लगा हुआ है? हाँ भाई इधर साइड में लगा हुआ है। तो अभी जो है ना अपन लोग यहाँ पर जो है ना वर्कर को करते हैं हायर, और वर्कर खुद ही देख लेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगने वाला है और कहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है।
ऑल राइट, यहाँ पर कैनोला लग चुका है और इधर भी कैनोला लग चुका है। ओके डन भाई। तो अभी जो है ना अपना ये वर्कर ने टास्क तो ले लिया और देख रहे हो भाई साहब तुम लोग, ये है अपना न्यू हॉलैंड का एकदम बढ़िया वाला ट्रैक्टर। ओके आई होप सो कि भाई यहाँ पर अभी ये एकदम ठीक से बिना अटके यहाँ पर लगा ले बस। अबे भाई आगे जाने देना और थोड़ा सा आगे जाने दे, अबे क्या तकलीफ है भाई इसको। भाई मैं ना एक काम करता हूँ यहाँ पर ना एकदम साइडों में ना मैं एक दफा इनको ना लगा देता हूँ सीड्स और उसके बाद ये ना खुद ही काम करता रहेगा। ओके एकदम भाई साइडों में हम खुद इनको बीज लगा देते हैं ताकि अपना वर्कर जो है ना एकदम सही से काम कर सके और ये साइडों से जो एरिया है ना वो छोड़े ना, एकदम साइड पे जो है ना वो हम लोग कैनोला इनको लगा। अबे यार ये किधर जा रहा है भाई। ओके अभी सही लग रहा है तो फटाफट से भाई मैं एक साइड से इसको लगाता हूँ और उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ और चीजें दिखाता हूँ। एक साइड पे ये सारा हम लोग साइड पे लगा लेते हैं ना ताकि फिर अपना ये वर्कर जो है उसके लिए ईजी हो जाए ये वाला टास्क कम्प्लीट करना। और एक साइड पे पूरा ये देखो हम लोग लाइन लगा रहे हैं ताकि वर्कर जो है वो बिल्कुल ईजीली और एकदम परफेक्टली काम जो है वो अपना कर सके। तो अभी ये वाला ट्रैक्टर से इस वाले ट्रैक्टर से थोड़ा सा हैंडल करना भाई मुश्किल है क्योंकि इसकी मतलब इसकी जो वो क्या बोलते हैं सीक्वेंस है ड्राइविंग की वो थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे ट्रैक्टर्स की। मतलब अगर उनकी निस्बत हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है भाई इसका दूसरे ट्रैक्टर्स के मुकाबले में। ये ट्रैक्टर भाई है तो तगड़ा और इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब बाकी ट्रैक्टर्स को अगर हम लोग देखें वो थोड़ा सा और तरीके से टर्न होते हैं, उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा और है, उनको हैंडल करने का उनकी हैंडलिंग मतलब थोड़ी डिफरेंट है और इसकी हैंडलिंग जो है वो थोड़ी सी और है, मतलब अलग है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ठीक है अभी यहाँ पर जो है वो अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा है। तो अभी जो है ना ये देख रहे हो यहाँ से इसको पहले टर्न करते हैं और पीछे से बाद में टर्न होता है। तो अभी यहाँ तक ये हो जाएगा ऑल राइट। अभी मैं इसको ना यहाँ पर एकदम आराम से यहाँ से पीछे टर्न करूँगा और ये पीछे जाएगा थोड़ा सा और इसको हम लोग जो है ना वो यहाँ पर से सीधा करके इसको लगा देंगे। वैसे भाई इसको हैंडल करना थोड़ा ईजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है भाई ईजी, इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ये देख रहे हो भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल है। और इसको मैं यहाँ पर लोअर करता हूँ और इसकी एमरजेंसी लाइट्स हम लोग करते हैं ऑन और अब भी हम लोग इसको वर्कर को दे देते हैं और अब भी जो है अपना एकदम वर्कर परफेक्टली करेगा भाई इसको। ये देख रहे हो तुम लोग अभी इसकी जो सिंचाई है ना भाई बीज की वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो रही है। तो अभी हम लोग जो है ना वो चल सकते हैं यहाँ से और अभी अपने को चल के थोड़ा सा और काम करना बाकी है भाई। अभी थोड़ा सा वुड कटिंग करने का जो काम है ना वो यहाँ पर अपना रहता है। तो मैं जो है ना इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ अपनी इस वाली वुड कटिंग मशीन को। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया था ना ये काउस का फार्म अपना, इसको भी देख लेते हैं। और अभी यहाँ पर हम लोग इन फ्यूचर फार्म जो है वो थोड़ा बड़ा करने वाले हैं भाई काउस का और मैं देखता हूँ कि इन्होंने मतलब कोई प्रोग्रेस करी या फिर नहीं। अब इनकी हेल्थ जीरो है भाई, ये क्या इनके पास मिल्क, ओ भाई मिल्क इनके पास 2350 लीटर लगभग मिल्क हो चुका है और स्लरी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया। अभी इनको स्ट्रॉ चाहिए और इनको भाई खाना चाहिए। अबे यार अभी सबसे पहले ये वाला ट्री हम लोग करते हैं कट और इसको अपन लोग जो है ना वो यहाँ पर इधर साइड में कर लेते हैं। ओके ये कितने मीटर की कट कर रहा है भाई, हेलो 6 मीटर की नहीं करनी मुझे, 5 मीटर की करनी है। 5 मीटर का सही रहता है, 5-5 मीटर के हम लोग कट कर लेते हैं। ये देखो भाई 5 मीटर ठीक है। ओके ये 5 मीटर के हिसाब से कट हो रहे हैं सारे के सारे। अभी यहाँ पर अभी ये वाला ट्री भी उठा लेते हैं अपन लोग और इसको भी हम लोग चलो। ओके भाई ये पता नहीं कहाँ अटक रहा है यार, इसने तो दिक्कत कर दी है। ओके ठीक है अभी इसको कट कर लेते हैं और अपनी क्रेन जो है वो पूरी पलट चुकी है यार, शेट भाई। ओके ऑल राइट अपनी जो क्रेन है वो सीधी हो चुकी है अभी के लिए। तो यार कोई अच्छी सी फॉरेस्ट्री वाली जो मशीन है ना भाई वो मुझे अगर तुम लोगों की नजर में है ना तो कोई मुझे कमेंट करना भाई, उसका कोई मोड दो मेरे को जो एकदम बढ़िया तरीके से ना मतलब कट कर सके वुड को और मतलब ज्यादा उसमें दिक्कत ना करे भाई। अभी ये वाला ट्री भी हमने कट कर लिया और इसको अभी हम लोग ना थोड़ा सा पीछे ले आते हैं और इसको ना अभी के लिए हम लोग ना इधर साइड में लगाते हैं यहाँ पर यूं करके। चलो इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। ये भाई काफ़ी बड़ा पेड़ है ये वाला। ओके अभी यहाँ पर ये हो गया 1-2 और ये सारी की सारी वुड यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन इसको यहाँ पर से उठाना भाई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है जो भी है उठा लेंगे हम लोग भाई। तो यार अभी ये तो ठीक है लेकिन इस वाली मशीन से ना मुझे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है टास्क ये वाला कंप्लीट करना। तो मैं ना एक काम करता हूँ हम लोग ना कोई और मशीन देखते हैं लीज पर लेकर एक दफ़ा चेक करते हैं हम लोग। तो भाई साहब ये वाली मशीन मैंने अभी लेकर टेस्ट करी है। तो भाई ये वाली जो अपनी है ना जेसीबी या इसको जो भी बोल लो, और एक सेकंड भाई ये यहाँ पर ये वाला पेड़ तो यूं ही कटा पड़ा है भाई साहब। ओके इसको भी अभी हम लोग कर लेते हैं, मतलब इसको अपने को पकड़ना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ से यूं उठाना पड़ेगा। तो भाई साहब ये वाली जो मशीन है ये बहुत ज्यादा बढ़िया है वॉल्वो की, और जो अपने पास बड़ी वाली मशीन है ना फॉरेस्ट्री वाली मैं भाई वो करने लगा हूँ सेल, और ये सही है मतलब ये अपना काम करती रहती है। और इस वाली मशीन की थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा मतलब ये लेती है, इसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए। तो ये हम लोग कर लेते हैं
परचेज ये भाई सस्ती नहीं है भाई, उतने किया ये भी। चलो ठीक है, अभी अपने को ना भाई एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, तो हम लोग अपना ये वाला न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर जो है इसको लेकर चलते हैं, और अपनी वो वाली जो मशीन है ना फॉरेस्ट्री वाली उसको हम लोग लेकर आते हैं फटाफट से। ओ भाई मैं गलत साइड पे क्यों जा रहा हूँ, और अपनी मुर्गियों ने भाई अंडे भी काफी सारे दे रखे हैं, तो फटाफट से अपना ये न्यू हॉलैंड लेकर चलते हैं हम लोग, और इसको इसके ऊपर लोड करके हम लोग लेकर आते हैं वो वाली मशीन को उस जगह पे जहाँ पर अपने को वुड मतलब कटिंग करने की जरूरत है भाई। आज हम लोग ज्यादा वुड तो कट नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग वुड जो है वो सेल करेंगे, और तुम लोगों को मुझे कुछ और दिखाना। ये देख लो यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स हमने लगाई हैं, ये देखो सामने तुम लोगों को नजर आ रही होंगी, ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ पर लगाई हैं ताकि नाइट टाइम में अपने को आने जाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और इधर साइड में थोड़ी सी फेंसिंग भी मैंने करी थी, ये देख रहे हो यहाँ पर भी थोड़ी सी फेंसिंग करके और इधर साइड में थोड़ी सी लाइट्स वाइट्स हमने लगा दी हैं, ताकि अपने को भाई मतलब पता चलता रहे कि अपना फार्म जो है उसका एरिया उसका रास्ता वो किधर से है। तो अभी के लिए जो है ना हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर से अपने को ना एक लेना पड़ेगा हेडर मतलब लो लोडर, तो आई थिंक ये वाला जो है ना ये सही रहेगा। व्हील सेटअप वगैरह सब कुछ ओके है, बैक ऑन इसके अंदर हम लोग लगा लेते हैं। ओके ये वाला हम लोग बाय कर लेते हैं, $17,000 का मिल रहा है अपने को। ओके अभी जल्दी से चल के इसको इसके साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ भाई फटाफट से अपने इस न्यू हॉलैंड के साथ, और इसको कनेक्ट करके भाई इसके ऊपर ये अपनी ये वाली जेसीबी जो है ना इसको मतलब ऊपर लाद के ले जाते हैं भाई, समझ रहे हो ना। ओके भाई फटाफट से ये इसको मैंने कर लिया है मतलब अनफोल्ड कर लिया इसको, और जल्दी से ना अपनी ये जो है ना अपनी जेसीबी इसको हम लोग लेकर चलते हैं फटाफट से। ओ भाई साहब ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, अबे भाई मुझे नहीं लगता ये इसके ऊपर लोड हो पाएगी, अबे यार ये तो गिर गई। ओ नो 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 भाई साहब ये बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, ये तो दिक्कत हो गई भाई। ओके भाई कोशिश करेंगे इसको हम लोग इसके ऊपर ही चढ़ा के लेके जाने की। ओके अभी हम लोग थोड़ा सा उधर साइड में रखेंगे एकदम आराम से। अबे यार दोबारा कोशिश करते हैं भाई एक बार और, एक लास्ट ट्राई और करते हैं। ओके इस बार थोड़ा सा अपने को संभल के करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा इस बार थोड़ा संभल के भाई। ये मुझे नहीं लगता इस वाले लोड लोडर के ऊपर ये लोड हो पाएगी। ओके भाई इसको लोड किया, लेकिन भाई ये तो इसका वेट ही नहीं उठा पा रहा। अबे यार भाई ओ भाई साहब ये नहीं इसके ऊपर लोड होके जाएगी, अबे भाई ये तो दिक्कत हो गई, कोई और लोड लोडर देखना पड़ेगा मुझे। ओके काम करते हैं भाई इस वाले लोड लोडर को ट्राई करते हैं, एक सेकंड। अबे भाई ये कहाँ ठुकरा है भाई अपना ट्रैक्टर, यार ये दिक्कत हो गई है थोड़ी सी। चलो इस वाले लोड लोडर के साथ मुझे उम्मीद तो है कि ये कनेक्ट हो जाएगी, और ये मतलब कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ये हो जाएगी लोड। ओके हाँ भाई ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, अगर ये सही हुआ तो भाई हम लोग इसको फिर कर देंगे सेल, और वो वाला लो लोडर हम लोग ले लेंगे रख लेंगे अपने यूज के लिए, मतलब कभी कभार अगर अपने को कुछ लाने ले जाने की जरूरत पड़ती है तो भाई भाई मुझे नहीं लगता कि ये भी कर पाएगा लोड। ओ भाई इसके ऊपर लोड हो गई। ओ यस बट हेलो, ओ भाई ओ भाई ये तो खींच नहीं पा रहा भाई, मुझे लगता है यहाँ पर अपने को कोई बड़ा ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से अपना जेसीबी लेकर चलता हूँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहाँ गया अपना जेसीबी, ये रहा अपना जेसीबी, फटाफट से जेसीबी को जो है ना लेकर चलते हैं। अभी ये जेसीबी के बस की बात है, यही उठा सकता है भाई उसका वजन, अगर ये जेसीबी ने उसको उठा लिया ना भाई तो मैं तो इस जेसीबी का हो जाऊंगा फैन। ऑलरेडी मैं अपने इस जेसीबी ट्रैक्टर का फैन तो हूँ भाई, लेकिन ये उसको खींच ले मैं इसका दीवाना हो जाऊंगा भाई। इसको मैं इसको चुम्मिया दूंगा भाई, चुम्मिया समझ रहे हो ना भाई, इसको चुम्मी दूंगा मैं भाई इस वाले ट्रैक्टर को एकदम बढ़िया वाली चुम्मी। तो बस ये उसको खींच ले, बाकी सब सही है भाई, क्योंकि वो जेसीबी है भाई, कोई मजाक थोड़ी है, उसको खींचना इतना आसान काम थोड़ी है भाई। अभी यहाँ से इसको एकदम करते हैं रिवर्स और इसको करता हूँ अटैच, आई होप सो कि ये खींच लेगा। ओ यस भाई साहब ये खींच तो लेगा, खींच लिया भाई इसने, खींच लिया। ओ भाई छोटे मोटे ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है भाई, देख रहे हो तुम लोग छोटे मोटे ट्रैक्टर की इतने बड़े ट्रैक्टर की बस हो गई है। अबे यार इससे तो अच्छा हम लोग उसको वैसे ही चला के ले जाते यार, शेट भाई। अबे भाई ये क्या है। ओके ठीक है अभी सही स्पीड, असल में वो मैंने उसको अनफोल्ड नहीं किया था, मतलब फोल्ड नहीं किया था, फोल्ड हो चुका है, और अभी इसकी अच्छी खासी स्पीड है भाई। अभी अपना ये जेसीबी ले जाएगा उसको खींच के, नो प्रॉब्लम। ओके आराम से ले जाएंगे हम इसको, नो प्रॉब्लम भाई, अब सही है भाई, अब हम लोग करेंगे। और मैंने भाई काफ़ी सारी प्रोग्रेस करी है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग अभी न्यू हॉलैंड पे बैठ के चलेंगे वहाँ पर, तो ये ठीक है, ये हम लोग लीज पर लिया है ना ये वाला लो लोडर, ये हम लोग कर देंगे वापस। अच्छा किया मैंने इसको खरीदा नहीं भाई। तो अभी ये जेसीबी को जो है ना इसके ऊपर लोड करके आराम से अभी पलटने वाली थी भाई ये, तो ठीक है जल्दी से इसको लेकर चलते हैं भाई जहाँ पर अपने को इसको लेकर जाना है। और इसको एकदम संभल कर चलाना पड़ता है इस वाले ट्रेलर को, मतलब ये लो लोडर को, ये
उलट बहुत जल्दी जाता है। ये वाला अपने पास लास्ट वाले फार्म में था तो ये बहुत जल्दी उलट पलट जाता था भाई, ये एकदम मतलब वो तगड़े तरीके से पलट जाता है, फौरन यूं 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 हो जाता है। तो अभी जो है ना इसको मैं फटाफट से करता हूँ अनलोड, यहाँ पर करते हैं इसको अनफोल्ड। ओके डन, अभी जो है ना हम लोग एक सेकंड इसकी वो बेल्ट खोल लेते हैं। ओके अभी जल्दी से बैठते हैं अपनी जेसीबी के अंदर। ये वाला भाई सही है, मतलब अगर हम लोग अपना खरीदेंगे खुद का तो वो हम लोग यही खरीदेंगे, लो लोडर यही वाला खरीदेंगे, ये वाला सही है। वो दूसरा वाला तो भाई एकदम छोटा सा है। तो ओके अभी जो है ना हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं इधर साइड में और अपनी इस वाली वॉल्वो की वुड हार्वेस्टर को मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ भाई इधर साइड में। इसका ये सही है, ये बहुत कम जगह पर घूम जाती है एकदम आराम से। ये देख रहे हो एक साइड पे भी घूम जाएगी, ये देख रहे हो भाई तुम लोग एकदम आराम से ये घूम जाएगी कहीं पर भी। अभी इसका इंजन करता हूँ मैं ऑफ और इसकी लाइट्स वाइट्स ऑफ कर देते हैं सब लोग। ओके तो अभी ये जो लो लोडर है इसको मैं कर देता हूँ वापस, ये हमने लीज पर लिया था, ये रहा ठीक है, ये गया वापस। ओके अभी अपना ये जेसीबी का ट्रैक्टर जो है ये फ्री हो चुका है और अभी इसको लेकर चलता हूँ मैं जल्दी से फार्म पर और तुम लोगों को फिर मैं थोड़ा सा दिखा के लाता हूँ। हमने एक नया रास्ता बनाया है, नया रोड बनाया, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना ट्रक निकालते हैं और उसके अंदर ये सारी वुड मुझे लोड करनी है और चल के तुम लोगों को अपनी नई वाली सा मिल हमने लगाई है, मतलब पेपर फैक्ट्री लगाई है, सा मिल नहीं वो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को अपनी पेपर फैक्ट्री। ओके ये अपना जेसीबी आ चुका है और अभी के लिए ना जेसीबी को मैं खड़ा करता हूँ यहाँ पर, इसको वापस लगाना पड़ेगा। जैसे इसको निकाला वैसे इसको वापस लगाते हैं भाई फटाफट से, क्योंकि ये अपना सबसे तगड़ा ट्रैक्टर है भाई, जो वो न्यू हॉलैंड ने नहीं खींचा उसके बस की बात नहीं है, हर ट्रैक्टर जो है वो जेसीबी थोड़े होता है भाई। ओके यहाँ पर इसकी लाइट्स वाइट्स इंजन करते हैं ऑफ और ये दरवाजा करते हैं हम लोग बंद और अभी जो है ना हम लोग बैठते हैं अपने ट्रक के अंदर। तो ये रहा अपना नया वाला ट्रक और ये देख लो तुम लोग भाई ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अभी जो है ना इसको हम लोग निकालते हैं ट्रक को और चल के अपने को वुड जो है वो लेकर आनी है। और ये देखो ये अपना डॉगी यहाँ पर फिर रहा है और यहाँ पर से ट्रक के साथ हम लोग अटैच करते हैं ट्रेलर। तो जो अपना पहले वाला ट्रक था वो हमने चेंज कर लिया भाई, वो सेल कर दिया और ये ले लिया। ओके ये हो गया अटैच और जल्दी से इसको हम लोग लेकर चलते हैं फटाफट से एकदम फटैक से। ओके भाई अपने ट्रक को यहाँ से ना अपने को मतलब करना पड़ेगा, यहाँ से घुमा के लेकर जाना है जहाँ पर अपने को लेकर जाना है। ओके ठीक है इधर साइड से इसको, ओ भाई कहाँ पर अटक रहा है ये। ओके भाई निकल गया अपना ट्रक यहाँ से, फटाफट से इसको लेकर चलते हैं और भाई वुड जो है वो लोडिंग स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हम लोग चल के अपनी जो है वो पेपर फैक्ट्री को विजिट करते हैं। और ये ट्रक जो है ना ये मेरा फेवरेट है भाई, ये एकदम सही चलता है और ये है भी छोटू सा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसको अभी मैं देखता हूँ कि ये अपना कितना लोड उठा पाएगा। ये देखो इसकी भाई ब्रेकिंग हैंडलिंग एकदम सब कुछ बढ़िया है भाई, इसको ना यहाँ से घुमा कर अपने को इधर साइड से लेकर जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ओके इसको घुमा के हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं भाई यहाँ पर, ऑल राइट। तो अभी इसके अंदर ना हम लोग वुड लोड करना स्टार्ट करते हैं और ये देखो अपनी वुड लोड होना स्टार्ट हो गई है। ओके भाई इधर वाली सारी वुड हमने लोड कर ली है और अभी इधर साइड पे कुछ वुड्स अपनी पड़ी हुई हैं, मतलब कुछ लॉग्स अपने वुड के पड़े हुए हैं, इनको कर लेते हैं लोड और उसके बाद फिर चलते हैं इनको लेकर हम लोग अपनी पेपर फैक्ट्री के अंदर। और इसको मैं उठा के यहाँ से थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ये लो। ओके ये भी हो गया लोड और अभी इसको थोड़ा आगे लेते हैं ये ट्रक को, आई थिंक इधर साइड में तो और कोई भी वुड नहीं बची हुई। चलो ठीक है अभी इसको हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ से बाहर वापस और चल के भाई इसको अपनी पेपर फैक्ट्री के अंदर आज हम लोग फर्स्ट टाइम काम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम आराम आराम से जाना पड़ेगा, ये वुड अपने को गिरानी नहीं है भाई, अगर ये वुड गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। तो ठीक है इसको जल्दी से एकदम आराम आराम से एकदम प्यार मोहब्बत से लेकर चलते हैं भाई। ओके ये वाला ट्रक तुम लोगों को कैसा लगा मुझे बताना और अभी देखते हैं चल के अपने ट्रैक्टर पे अपने जो वर्कर को हेल्पर को लगाया हुआ था मैंने उसने काम किया या फिर नहीं, अगर उसने काम नहीं किया कोई गड़बड़ कर दी तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं चल के। और यहाँ पर काफी सारा वुड अपने काट के रखा हुआ था हमने, वो भी अपने को लोड करना है। और यहाँ बीच बीच में इसने छोड़ा क्यों भाई, और आई थिंक उसने काम तो वो खत्म कर दिया भाई मुझे लग रहा है, नहीं अभी काम कर रहा है भाई वो। और ये यहाँ पर भी अपना वुड पड़ी हुई है। ओके 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 यहाँ पर अपनी वुड जो है वो लोड होना शुरू हो गई है और इसको भी मैं उठा के यहाँ से साइड पे करता हूँ। ओके यहाँ पर ये हो गई और कहाँ पर है वुड भाई अपनी, हाँ इधर साइड पे तो सारी वुड हो गई ना। अभी ये अपना लो लोडर जो है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो मैं ना एक काम करता हूँ अभी जो है ना अभी के लिए इस लो लोडर को भाई पहले साइड पे करना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने इस ट्रैक्टर के साथ इस लो लोडर को ना मैं यहाँ से इधर उधर करता हूँ, उसके बाद इसको ले चलेंगे ये अपने काम, आई थिंक सो अपने काम आएगा कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता भाई अपने ये काम आएगा या फिर नहीं, बट आई थिंक सो कि ये काम आएगा भाई। ये लो लोडर हम लोग अपने पास रखें या फिर नहीं, मैं सोच रहा हूँ भाई इसको ना हम लोग सेल कर देते हैं, अभी के लिए अपने को लो लोडर की जरूरत नहीं है। कहाँ गया लो लोडर, तो ये रहा लो लोडर, इसको मैं करता हूँ सेल भाई, इसको हमने वापस सेल कर दिया। और अपना ये वाला जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है ना इसको अभी के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके ठीक है डन, इसका इंजन करते हैं ऑफ और ओके इसकी लाइट्स वाइट
लाइट्स ऑन रहने देता हूँ मैं वैसे ही, और अपना कुछ वुड जो है वो इधर साइड में भी कहीं पर तो पड़ा हुआ था भाई, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे याद है बहुत सारा वुड मैंने यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान कट कट करके रखा हुआ था भाई, कट कट करके। ओके यहाँ पर ये हो तो रहा है लोड, ओके ओके अभी जल्दी से ये वाले जो लॉग्स हैं इनको भी उठा के हम लोग कर लेते हैं लोड। ओके यूं इनको फेंक के मारते हैं इधर, और ये वाले जो सारे के सारे लॉग्स हैं ना इनको भी हम लोग कर लेते हैं लोड। ओके तो ये कुछ पीस अभी बचे हैं, कुछ थोड़े से लॉग्स यहाँ पर रह गए हैं। तो नहीं नहीं ये तो पूरा ट्री है भाई, ये लॉग नहीं है, आई थिंक लॉग्स खत्म हो गए भाई। और नहीं यहाँ पर अभी और रखे हुए हैं काफी सारे भाई साहब। तो ये जो सबसे बड़ा वाला लॉग है इसको मैं उठा के यूं फेंक के मारता हूँ भाई, ये चला जाएगा वहां पर। ओके और एक ये जो बड़ा वाला इसको भी मैं यूं फेंक के मारता हूँ, ये भी चला जाएगा ना। तो ओके भाई साहब पूरे के पूरे जो लॉग्स है ना वो सारे के सारे हो चुके हैं लोड। और अभी जो है ना हम लोग अपने ट्रेलर को यहाँ से थोड़ा वापस कर लेते हैं। ओके रिवर, ओ भाई ये कैसे रह गए, हेलो। ओके ठीक है यहाँ पर ये दो लॉग्स अभी रह गए हैं, तो ये हम लोग बाद में ले जाएंगे। अभी के लिए हम लोग अपने ट्रेलर को यहाँ से घुमाते हैं और लेकर चलते हैं अपने पेपर फैक्ट्री की तरफ। तो ये है अपनी पेपर फैक्ट्री भाई, देख रहे हो तुम लोग, ये यहाँ पर हमने पेपर की फैक्ट्री लगाई है। यहाँ पर भाई वुड से बनेगा पेपर। ऑल राइट यहाँ पर हम लोगों ने अपना ट्रेलर कर दिया खड़ा, और ठीक है अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर ये वाले जो सारा का सारा वुड है ना इसको मैं यहाँ पर एक सेकंड। ओके भाई काफी सारा वुड जो है वो जा चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा वुड अभी बचा हुआ है, तो इसको दोबारा हम लोग चेक कर लेते हैं ये क्यों बचा हुआ है भाई। हेलो ओ हेलो इसकी कैपेसिटी तो नहीं फुल हो गई भाई। तो ठीक है भाई अभी हम लोग पेपर रोल जो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और अभी मुझे नहीं पता कि भाई यार ये मतलब क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं हो रहा ये। तो भाई आई थिंक सो कि इस वाली अपनी फैक्ट्री के अंदर इससे ज्यादा वुड जो है वो स्टोर नहीं हो सकता भाई, इससे ज्यादा वुड यहाँ पर स्टोर नहीं हो सकता। तो हम लोग अभी के लिए ना ये वाला जो वुड है ना इसको अपन लोग यहाँ पर अनलोड कर देते हैं। इसको अनलोड कैसे करना है भाई? ओके इसको मैं कहाँ पर अनलोड करूँ? ओके यहाँ पर इसको मैं अनलोड करता हूँ। ओके अभी यहाँ से ना हम लोग एक उठा के चेक करते हैं, ये वाला इसको उठा के लेकर चलते हैं हम लोग, इसको देखता हूँ क्या अभी ये यहाँ पर जाएगा। इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पर नहीं जा रहा भाई, ये चला गया भाई अब। लेकिन ठीक है अभी अपने पास 29,000 मतलब लीटर जो है वो वुड हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी अपना ये जो ट्रक है ना इसका काम तो खत्म हो चुका है अभी के लिए। तो इसको अभी मैं एक दफा यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ, बाकी का काम जो हम लोग फिर करेंगे जब वुड कटिंग का काम करेंगे। तो इसको अभी के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ऑल राइट ओके भाई इसको यहाँ पर मैं खड़ा कर देता हूँ। ओके अभी हम लोग चलते हैं अपने उस वाले ट्रैक्टर के अंदर और देखते हैं उसने कहाँ कहाँ पर से छोड़ा है। तो ये रहा अपना न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर, और इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। और ये जहाँ जहाँ से इसने छोड़ा है ना हम लोग वहाँ वहाँ पर सीडिंग जो है वो कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट यहाँ से ये हो गई, और जहाँ जहाँ पर इसने मेन छोड़ा है ना मैं जो मतलब ज्यादा एरिया छोड़ दिया वहाँ वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ताकि बाद में फिर वो बुरा ना लगे भाई। ये देखो यहाँ पर इसने छोड़ दिया था, और यहाँ पर ये लग चुका है, और इधर साइड में भी इसने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, तो इधर साइड में भी हम लोग थोड़ा सा लगा देते हैं। ऑल राइट इधर साइड में भी थोड़ा सा लग गया, ये यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा एरिया छोड़ा था। ओके भाई साहब ये अपना जो पूरा का पूरा खेत है ना ये तो हो चुका है डन, और अभी जो है इसमें सीड्स तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और अभी अपना ये वाला जो जाइंट वाला ट्रैक्टर है और ये जो अपना सीडर है इसको हम लोग लेकर चलते हैं वापस अपने फार्म पे, और इनको चल के लगा देते हैं अपने न्यू वाले गैराज के अंदर। यहाँ पर इसको लगाता हूँ मैं भाई। इस वाले ट्रैक्टर का एक सबसे बड़ा फायदा यह है ये भाई यूं मछली की तरह चलता है, मतलब इसको टर्न करना एकदम आसान है, यूं यूं करके ये मछली की तरह घूमता है भाई। ये देख रहे हो तुम लोग इसको यहाँ पे घुमाना बहुत ज्यादा ईजी है। तो ओके भाई साहब इस सीडर को हमने यहाँ पर लगा दिया, और ये जो अपना बड़ा वाला ट्रैक्टर है इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पर खड़ा। और ये सबसे ज्यादा वाला जो अपना एक्सपेंसिव वाला ट्रैक्टर है ना ये है भाई वो वाला, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रैक्टर है, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव अभी तक अपने पास ना तो कोई ट्रैक्टर है और ना ही कोई हार्वेस्टर। तो ओके ये यहाँ पर खड़ा हो चुका है, इसका इंजन ऑफ करता हूँ, और अभी जल्दी से फटाफट से हम लोग चलते हैं, और चल के मैं तुम लोग को दिखाता हूँ जो हमने नया वाला रास्ता बनाया है और वो कहाँ कहाँ को जाता है, किधर किधर को जाता है, वो हम लोग अपने ट्रैक्टर पर बैठ के चलते हैं। तो इस वाले मैसी के अंदर हम लोग बैठते हैं, ये मैसी का जो ट्रैक्टर है छोटू वाला इसके अंदर बैठ के मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ, और मैं तुम लोगों को दिखा के लाता हूँ। एक सेकंड इधर से भी रास्ता है, तो अभी अपन लोग जो ये लाइट्स जो अपनी वो कर लेते हैं ऑन। तो ये देखो भाई ये है नया रास्ता, और ट्रैक्टर के अंदर बैठ के ये वाला व्यू एंजॉय करो। तो ये नया रोड जो हमने बनाया है ना ये वो है, और इसके दरमियान में अभी जो ट्रीज हैं ये अपने को सारे के सारे कट करने हैं। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी अपना फार्म किधर किधर को एक्सपेंड होने वाला है। तो अभी ये देखो ये अपना इधर को रास्ता जा रहा है, और ये वो रास्ता है यहाँ से आगे, ये जो शुगर केन वाला खेत है उसके साथ जो रास्ता आ रहा है ये वो है जो हमने सबसे पहले रोड बनाया था। ये काफी ज्यादा खुला रोड है, और यहाँ पर अभी एक रास्ता ये इधर शॉप को जाता है ये वाला, ये भी राइट साइड वाला जो रास्ता है ये भी अपने को अभी क्लियर करना है।
जाना है। और ये रास्ता जो है ना भाई, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन पे जाता है। यहाँ पर भी इन फ्यूचर हम लोग अपना कुछ ना कुछ बनाएंगे भाई, कोई ना कोई बड़ा वाला काउ फार्म या कुछ और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर लेकर चलता हूँ इधर साइड में। ये देख रहे हो भाई, ये रस्ते में जितने भी ट्रीज लगे हुए हैं ना, और ये तुम लोग ये यहाँ पर व्यू चेक करो। ये जो व्यू, जिस व्यू की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये है वो व्यू। और इसके बिल्कुल बाजू में ये देखो भाई, वाटर ही वाटर है, मतलब इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ये यहाँ पर नदी है। और यहाँ पर से अपना रास्ता गुजर रहा है, ये देख रहे हो तुम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है रास्ता, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये अपना रोड जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो अभी तक ये रोड कहाँ को जा रहा है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई। तो ये रोड अभी जा रहा है सीधा यहाँ से, और इधर से थोड़ा सा लैंडस्केपिंग अभी करनी बाकी है, तो वो हम लोग जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचेंगे फिर हम लोग करेंगे। ये देखो, ये रोड अभी तक यूं आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ये देखो भाई, ये यहाँ पर आगे आ चुकी है नदी, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक ब्रिज। और यहाँ पर देख रहे हो ये नीचे, ओ भाई साहब, भाई साहब आराम से आराम से आराम से, एक सेकंड, ये देखो भाई, ये देख रहे हो तुम लोग, नीचे नदी है और यहाँ पर हम लोग एक ब्रिज बना लेंगे। यहाँ पर हम लोग इधर साइड में भी आया करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो ठीक है भाई, अब तुम लोगों को मजा आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर। बहुत ज्यादा आगे हम लोग एक्सपेंड करने वाले अपने फार्म को, और फार्म के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारा प्रोडक्शन वर्क, और जो जो कुछ तुम लोग बोलोगे ना भाई, वो हम लोग सारा कुछ इसके अंदर करेंगे। और अब बहुत जल्दी हम लोग TMR की जो फैक्ट्री वो लगाने वाले हैं अपनी काउस के फूड के लिए। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलो भाई साहब, ये रास्ता किधर को जा रहा है, ये रास्ता उधर को जा रहा है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।